गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की सभी समस्याओं का हल है। उसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और कई साधु संत केवल गीता पढ़ के ही एक ही पुस्तक से ही पूरी दुनिया उन्होंने जीत ली। श्रीपाल प्रभुपाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने इस्कॉन सोसाइटी की स्थापना की। वो घर से निकले थे तो गीता ही लेके निकले थे और फिर पूरी दुनिया में उन्होंने हरे राम हरे कृष्णा संस्कृति बनाई और उसके बहुत से फॉलोवर हैं। बात करें इनसे। अच्छा हाँ हाँ, बस इसको पीछे पेड़ दिखाइए। इसी जगह पे रहता हूँ मैं, यहीं पे गाइड करता हूँ। अच्छा हाँ, इसके लिए आप मुझे कर ले, आपको कर ले। आप कहाँ से सर? मैं पहले तो इसी गांव में रहता था और अभी मैं बहुत ज्यादा चला गया। ये बताइए इस जगह का महत्व क्या है और क्यों घूमने आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ इस जगह का महत्व ये है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वास्तव में इस पवित्र भूमि का और इस पावन धरती का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान की ज्योति जलाई गई थी और उसको हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिल के बन गया ज्योति सर। इधर में बताते कि फिर आदि गुरु शंकराचार्य भी सामने मंदिर है जी। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, घूमने के बाद फिर वो इधर आए। उन्होंने बैठ के इधर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया, ये पूरे ही 48 कोस की भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला और 18 अध्याय गीता का है, 700 श्लोक है उसके अंदर। सर आज भी जो दूर दराज से लोग आते हैं, कोई दिल्ली से आता है, मुंबई से आता है, महाराष्ट्र से आता है, पंजाब से आता है, वो कहीं से भी आता है, उसके मन में एक ही बात होती कि मैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब भी जाऊंगा और उधर में ये सवाल करूंगा। तो उसका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि कहाँ है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरी की पूरी धरती लाल हो गई थी। लेकिन आज हमें वो धरती लाल दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती? कहते कि बहुत सारा इधर में पहाड़ों का पानी आता गया, मिट्टी आती गई, साथ साथ में वो परत दा परत बनती गई और जो लाल मिट्टी थी वो गहराई के नीचे तक चली गई, दूसरी मिट्टी ऊपर आती चली गई, अब हमको वो दिखाई नहीं देती है। फिर भी हम आसपास में यदि कुरुक्षेत्र के मिट्टी को नीचे से खोदते हैं, गहराई में जाते हैं, तो थोड़ा सा लाल मिट्टी नीचे से अवश्य ही निकलता है। उस जमाने में बताते हैं कि इधर में ना तो किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई सड़कें थी, ना कोई शहर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन थी कि जहां पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पर और जिस पावन धरती पर इधर में आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहां पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को इधर आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे संबंधी अपने तो है प्रभु, मैं किसको मारूं? भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध की तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी है। लेकिन साथ साथ में भगवान कृष्ण जी ने एक बात और कही अर्जुन को कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूं, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूं। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो भंग हो चुका था
और इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे अर्जुन को, गीता सुनाते समय ये पेड़ भी साथ में अमर हो गया था और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, सदा सदा के लिए जो अमर रहता है, जिंदा रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो भी यहाँ से पूर्ण ही करते हैं। बोली कृष्ण भगवान की। और इसकी बताते हैं कि इसकी परिक्रमा भी करते हैं यहाँ पे कुछ श्रद्धालु जो आते हैं, तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है जब हम परिक्रमा करते हैं जी। मंत्र बोला जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कृष्ण भगवान की। आप लोग कहाँ से मैडम? तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र घूमने आई हैं जी। और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हैं जी? पहली बार आई। इस जगह का महत्व बताए आपको? नहीं, मैं नहीं पता। यही पे गीता का उपदेश हुआ था, ये वही स्थल है। तो आपने देखा कि ये जो गीता का उपदेश यहाँ पे हुआ था, ये ज्योतिषर है, वहीं पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे देखिए गीता उपदेश स्थली ज्योतिषर है। यहीं पे भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये वट वृक्ष तभी का है और ये अक्षय वट वृक्ष है। गीता वह साहित्य है, वह कविता है, काव्य है, जिसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। जीवन की सभी समस्याओं का हल गीता में छिपा हुआ है। जो इस्कॉन संगठन के संस्थापक थे श्रीपाद प्रभुपाला, वो गीता लेकर ही निकल गए थे पूरे विश्व में और उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण सोसाइटी की स्थापना की, इस्कॉन की स्थापना, जो एक बहुत बड़ी सोसाइटी आज बन चुकी है। यहाँ पे हम लोगों से कुछ बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं और इसका क्या महत्व है। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर लोकल ही यहाँ से। लोकल जी, ज्योति सर। यहाँ सर। तो यहाँ पे कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, मन को शांति मिलती है। शांति मिलती है। हाँ, आते रहते हैं? हाँ, कभी हफ्ते 10 दिन में आता रहता हूँ। आते रहते हैं जी। तो यहीं पे पहला उपदेश हुआ था? हाँ जी, गीता का ही हुआ। हाँ, गीता का उपदेश यहीं पे दिया था कृष्ण जी ने अर्जुन को। नीचे युद्ध भी यही आसपास हुआ होगा? हाँ, पूरे एरिया में हुआ था, कुरुक्षेत्र के। जी जी। आप सर कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप लोग? पश्चिम बंगाल से आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। पश्चिम बंगाल में कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल का 24 परगना। 24 परगना से? हाँ। ट्रेन से आए? नहीं, बस से आते हैं। बस से? हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 60 आदमी हैं। 60 आदमी। हाँ। ये बताइए, यहाँ पे जो आए हैं आप लोग, इसके बारे में कहीं सुने थे? हाँ, सुने थे बचपन से, तो हर गुरुजन को, गुरु महाराज को मुंह से सुनता है, जो गीता को, जो ज्ञान अर्जुन को दिया है भगवान श्री कृष्ण, वही है कुरुक्षेत्र में। तो हम लोग पश्चिम बंगला से इधर आया दर्शन करने के लिए। मैं बचपन से आ रहे, फिर 7 आदमी लेकर घुमाता है, उसका समझाता है। हमारा अभी आदमी घूम रहा है, ये जो वट का वृक्ष है, इसका नीचे में ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, यही है हम लोग को मालूम है और यही समझाता है। गीता कभी पढ़ी आपने? नहीं, मैं गीता कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन गीता का बारे में कुछ ज्ञान है। पढ़ेगा? पढ़ना तो आता नहीं बचपन से। पढ़ना नहीं आता? हाँ, हिंदी आता नहीं, हमारा बंगाली भाषा में आता है। अजय बदे, बंगाल में जो चुनाव होने वाला है, हाँ, कौन जीतेगा उसमें? अभी तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। वहाँ पे जय श्री राम बोलने नहीं देती ममता? ममता तो है ऐसी कई कई जगह पर, वो खुद जाकर वही से भगवान राम का नाम लेने से कई कई आदमी को पकड़ है, लेकिन सियासत में ऐसे ही चल रहे है। अभी तो 22 सीट हमारा मिला है दो को साथ, पहले चुनौती में तो था, अभी 22 है तो 21 साल में जो विधानसभा चुनौती होगी उसको ममता अभी जाएगी, खत्म, वो पूरा खत्म हो जाएगी। हाँ जी, और बात करते हैं। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? बनारस से। बनारस में ये ज्योति सर आप लोग घूमने आए हैं? जी हाँ।
तो कैसे आए, ट्रेन से? नहीं, बस से भाई, बस। भाई बस से? कितने लोग हैं आप लोग? हम लोगों में एक बस 60 आदमी है। 60 आदमी है जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई तो बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। और ये बताइए, यहाँ का जो महत्व है पता है आपको? महत्व है तो प्राचीन महत्व है, यहाँ वही तो हम लोग देखने आए। हम लोग तो पहले देखे नहीं थे, जी जी जी। केवल किताब में, इतिहास में मालूम था जी। अब उसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं पे गीता का उपदेश हुआ था? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, गीता पढ़ी है आपने? गीता पढ़े हैं। पढ़ी है पूरी? जी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। थोड़ा बहुत पढ़े जी। पढ़ेंगे? जी पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। राधे। आप बताइए सर, कहाँ से हैं? हम बंगला से आए हैं, बंगला, वेस्ट बंगाल में। हमारा मंदिर में श्री गीता सोसाइटी, श्रीमद भगवत गीता कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी, हमारा धाम में वेस्ट बंगाल में गीता जयंती उत्सव बड़ा, खूब बहुत बड़ा अनुष्ठान हो जा वहाँ से। पर उत्तर प्रदेश वृंदावन, इस्कॉन, गौड़मठ, नवद्वीप, वृंदावन, बहुत बड़ा बड़ा महाराज आए जे गीता जयंती धर्म सम्मेलन 9 दिन बहुत बड़ा अनुष्ठान हो जाए वहाँ से। पर गीता यज्ञ, भगवत यज्ञ, धर्मसभा, वस्त्रदान, लीला कीर्तन, नाम संकीर्तन, गीता माता, हमारा सोसाइटी गीता मातार भगवत प्रीचिंग प्रचार, ये विश्व शांति कल्याण के जन है। हर घर 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 में ये प्रचार करेगा। हमारा सोसाइटी बहुत बड़ा सोसाइटी, नाम श्रीमद भगवत गीता कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी। तो एम लक्ष्य सोसाइटी का, उतना सोसाइटी का 4 एम लक्ष्य। प्रथम लक्ष्य है सनातन धर्म प्रचार करा। द्वितीय लक्ष्मी कृष्ण भावना मृत यहाँ से मुद्दों दिए समाज का, देश का कल्याण करे। गीता पढ़ाते हैं अब हमारे गीता स्कूल, छोटे छोटे लड़का लड़के बच्चों ने गीता शिक्षा दीजिए, गीता उपदेश दीजिए। ये कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट पढ़ाएगा, हम उपदेश दीजिए। गीता माता, गीता के श्लोक, यदा यदा ये धर्म स ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म स तदा मानव सृजम परित्यानंग साधुनं विनाशनाय च दृष्कृतं धर्म संस्थापनार्थं सम्भवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद् गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग 7-8 नंबर श्लोक जी। श्रीमद् भगवद् गीता दशम अध्याय विभूति योग 2 नंबर श्लोक। नामे विदु सुरागना प्रभावं नमोऽस्तु अहम आर्दि देवनां महर्षिनां च सर्वस्व। श्रीमद् भगवद् गीता 9 अध्याय राजविद्याराज गुरुजी योगे 34 नंबर श्लोक। मन मना भावो मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कार मामे वैश्य युक्त वही आत्मना मत पारायण। श्रीमद भगवद गीता 8 अध्याय मत्स्य योग सर्वधर्मना परित्याज। अच्छा ये बताइए, शरणं गजो अहं तं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा सुजो। बोलिए जी, ये बताइए, बंगाल में जो चुनाव होना है 21 में, इसमें कौन जीतेगा? ये हमारा देश में गौरव है, हमारा देश में जाति का कृष्ट स्वाधीनता, हमारा देश 100 साल में है। नरेंद्र मोदी में 20 साल पावरफुल व्यक्तित्व, ये हर दुनिया का सम्राट राज करेगा, विश्व गुरु को बनाएगा देश में। ममता हार जाएंगे? ममता जी नहीं, हो हमारे देश का गौरव नहीं है, हमारा विश्व गुरु बनाएगा तो नरेंद्र मोदी जी आएगा। हमारा हम सब लोग ये भगवान का प्रार्थना, ये आशीर्वाद चाहेंगे। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, जय मोदी जी की, भारत माता की, गीता माता की, हरे कृष्ण की जय, गीता गीता माँ की जय।